तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त केके कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक्स जीनियस। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज मेरे पास लुमिनस का सेट पड़ा हुआ है। और लुमिनस का कौन सा सेट आप देख सकते हैं सामने से, इको वाट प्लस 850। ये मेरा लुमिनस का सेट है और इसमें ये वाला पीसीबी लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। फॉल्ट के हिसाब से हम लोग सेक्शन को पकड़ेंगे और उस सेक्शन में काम करेंगे। जो सेक्शन से दिक्कत रहेगी फॉल्ट के हिसाब से, उसी सेक्शन में हमको हाथ लगाना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी काम करना है सिस्टम से करना है, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो इसको मैं 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं, और ये पीसीबी ऑन हो गया है। ये देखिए, इको पे चल रहा है। तो सामने देख सकते हैं ये इन्वर्टर मेरा 220 वोल्ट के आसपास आउट कर रहा है। और इसको मैं ऑन ऑफ करके देख लेता हूँ। ये यूपीएस मोड पे, बैकअप मोड पे पूरी तरह से 100% ओके है। अब इस पे मैं 220 वोल्ट इन करता हूँ और देखता हूँ कि मेंस मोड पे क्या होता है। देखिए सामने मेंस आया, ये चार्जिंग भी आ गया, फैन भी रन कर रहा है पीछे। देखता हूँ, ये देखिए चार्जिंग का एलईडी ब्लिंक कर रहा है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लुमिनस का इन्वर्टर है, ये एलईडी का आप टर्म ऑफ कंडीशन जान लें, ये एलईडी का सिस्टम जान लें, तरीका जान लें कि कब ये प्रॉब्लम करती है और कब ये चार्ज करता है, कब फुल होता है। तो दोस्तों, मैं लुमिनस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये जो एलईडी देख रहे हैं आप चार्जिंग का, अगर आपका एलईडी ब्लिंक कर रहा है तो आप समझ जाइए इन्वर्टर में फॉल्ट है, चार्जिंग नहीं करेगा, एम्पियर नहीं आएगा। अगर आपका ये एलईडी अस्थिर है, मतलब जलता ही रहता है, तो आप समझिए आपका इन्वर्टर चार्ज भी कर रहा है, एम्पियर भी दे रहा है, पूरी तरह से आपका इन्वर्टर सही है। लेकिन अगर आपका ये एलईडी बंद हो गई है, परमानेंट बंद हो गई, तो आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया है। आपका बैटरी फुल चार्ज होने के कारण से यहाँ पे एलईडी बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में, इस फॉल्ट में एलईडी ब्लिंक कर रहा है, तो एलईडी ब्लिंक कर रहा है तो मेरा यहाँ पे फैन तो रन कर रहा है लेकिन एम्पियर नहीं आ रहा। देखिए एम्पियर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो एलईडी यहाँ पे ब्लिंक नहीं करना चाहिए, परमानेंट यहाँ पे स्टॉक होना चाहिए, जले मतलब यहाँ पे जो एलईडी है वो जलता ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो इसमें यही फॉल्ट है। और ये जो फॉल्ट है इसको मैं ठीक करने का तरीका बताऊंगा। और चार्जिंग का सेक्शन दो है, ये दोनों सेक्शन आपको मैं पूरी क्लियरिटी के साथ आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा, टर्म ऑफ कंडीशन के माध्यम से सिस्टम बाय सिस्टम तरीके से आपको फॉल्ट ठीक करने बताऊंगा। मतलब इस पीसीबी में चार्जिंग का सेक्शन दो सेक्शन है, तो वो दोनों सेक्शन में से कौन से सेक्शन से दिक्कत आई है ये आप वोल्ट को चेक करके ही कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको अंदाज का तीर नहीं मारना पड़ेगा, नहीं तो आप सिस्टम बाय सिस्टम नहीं चलेंगे, टर्म ऑफ कंडीशन नहीं यूज करेंगे, तो आप अंदाज का तीर मारेंगे। मतलब यहाँ वहाँ का कंपोनेंट चेक, मतलब यहाँ वहाँ का कंपोनेंट आप चेंज करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और अपने आप पे आप डिमोटिवेट होंगे और आपको लगेगा खुद बाय खुद कि मैं कोई इन्वर्टर को ठीक नहीं कर पाता हूँ। आप ठीक नहीं कर पाओगे अगर आपको सिस्टम पता नहीं रहेगा, अगर आपको रास्ता ही पता नहीं रहेगा तो आप मंजिल तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस फील्ड में कोई नए नए इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो उसको रास्ता कैसे पता रहेगा, नहीं पता रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप एक अनपढ़ को किताब पढ़ने दे देंगे तो वो कैसे पढ़ सकता है भाई, कुछ तो उसको आना चाहिए कखारे से लेकर के पहाड़े तक, तब तो वो कुछ पढ़ सकता है। अब कुछ नहीं आता तो वो कैसे पढ़ेगा। तो उसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में न्यू हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। अगर पूरी तरह से नए हैं तो आप पहले बेसिक नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप पीसीबी पे हाथ डालिए, उसके बाद आप सर्किट पे हाथ डालिए। तो फिलहाल मैं इस पीसीबी में आपको तरीका बताऊंगा इस फॉल्ट को रिपेयर करने का, क्या तरीका होना चाहिए और मैं कैसे कंफर्म हो सकता हूं कि कौन से सेक्शन से दिक्कत आएगी। तो इसके पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे क्लास से वंचित हैं, अभी तक अगर आप मेरे क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, मेरे क्लास का लाभ नहीं लिए हैं, तो आप न्यू बैच में अपना क्लास का सीट बुक करा सकते हैं। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसका इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप भी मेरे क्लास से लाभ लेना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर तरीके से फॉल्ट को ठीक करना सीखना चाहते हैं, अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहते हैं कि मैं भी एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं भी काम कर लेता हूँ स्वतंत्र होकर के, तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना फुल एड्रेस डालना है
और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉल का अलाव दे दिया जाए तो पूरे भारत पूरे विश्व को मैं अकेला फोन पे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मैं भी बिजी आदमी हूँ। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना फुल एड्रेस डाल देना है अगर क्लास करनी है तो, जहाँ से आप रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल दें। उसके बाद क्लास का क्या प्रोसेस होता है, क्या रूल्स होता है, क्या टर्म ऑफ कंडीशन होता है, सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप में आप लोग को बताया जाएगा क्लास में ज्वाइन होने के बाद आपको डायरेक्ट कॉल कैसे करना है, कब करना है और क्या सिस्टम होता है, वो सारा चीज़ आप लोग को सीट बुक कराने के बाद पता चलेगा, क्लास व्हाट्सएप के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले जानता हूँ कि इस फॉल्ट का मैं निवारण कैसे कर सकता हूँ और दोनों सेक्शन क्या है और दोनों सेक्शन में से कौन से सेक्शन से दिक्कत आई है। तो दोस्तों इस पीसीबी में आप लोग को मैं चार्जिंग सेक्शन समझाना चाहूँगा। स्क्रीन पर देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा ये पीसीबी साइन वेव है, पीसीबी साइन वेव है। इसका मतलब चार्जिंग के लिए यहाँ पे एसटीआर वगैरह नहीं लगाया गया है। अब बताओगे सर एसटीआर नहीं लगाया गया तो चार्जिंग कैसे करता है। तो दोस्तों पहले वाला जो बोर्ड आता था स्क्वायर बोर्ड, उसमें एसटीआर के माध्यम से एसी वोल्ट को कंट्रोल करके मेन ट्रांसफार्मर को दिया जाता है और उसके बाद वो स्विचिंग करता था और चार्जिंग करता था। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ साइनवे पीसीबी में मेन ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट 220 वोल्ट दे दिया जाता है मेन से देने के बाद। उसके बाद चार्जिंग जो कंट्रोल करता है वो ड्राइव सेक्शन से कंट्रोल करता है, ठीक है। चार्जिंग कब करना है, कितना एम्पियर करना है, वो डिपेंड करता है ड्राइव सेक्शन में। उस पीरियड में पॉजिटिव साइड ऑफ रहती है और नेगेटिव साइड ऑन रहती है। मेन से देने के बाद ड्राइव सेक्शन जो ड्राइव बनता है वो पॉजिटिव साइड ऑफ हो जाता है और चार्जिंग के पीरियड में ड्रेन साइड के मॉस्फेट का गेट का ड्राइव काम करता है, ये दोनों चैनल ऑन होता है। तो वो डीपली समझने के लिए, प्रोसेस से समझने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना होगा और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग को मैं बता दिया हूँ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना फुल एड्रेस डाल सकते हैं। कॉल डायरेक्ट नहीं करना है, अगर क्लास करना है तो केवल फुल एड्रेस डालना है। और आप लोग को मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अपना पर्चा बनाएं, सामान का लिस्ट बनाएं और व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका बिल बना दिया जाएगा, बिल के हिसाब से आपका सामान कोरियर कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स असेंबली से लेकर के माइक्रो कंट्रोलर सारे कॉम्पोनेंट। तो दोस्तों ये पीसीबी आपका साइनवेव है तो मेन ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट मिलेगा। 220 वोल्ट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे टाइपिंग बना रहता है, देखिए वो टाइपिंग में बना भी और टाइपिंग में लिखा भी रहता है चार्जिंग का पॉइंट। आपका मेन ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल चाहिए और फेज चाहिए, तो न्यूट्रल आपका ब्लैक वाला तार है और चार्जिंग करने के लिए आपका फेज चाहिए। तो ये जो रेड वाला आप देख पा रहे होंगे और आपका ये फेज है, ये आपका न्यूट्रल है ब्लैक तार वाला और ये फेज है, ठीक है। और ये पीला वाला तार आपका आउटपुट है, ये तीनों तार आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चार्जिंग के लिए यहाँ पे तीन वायर है, देखिए तीन टाइपिंग में मेन ट्रांसफार्मर से निकला हुआ है। सो पहला आपका ये रेड वाला न्यूट्रल हो गया। अब मेन ट्रांसफार्मर को चार्जिंग करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए न्यूट्रल और फेज, तो न्यूट्रल मिल गया आपका ये रेड वाला तार के माध्यम से, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको खोल के दिखाऊंगा, यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, ठीक है। आपको दूसरे पीसीबी में दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे रेड वाला तार यहाँ पे न्यूट्रल है, एक मीडियम है, एक हाई है। तो मीडियम और हाई के लिए यहाँ पे रिले को सिलेक्शन किया जाता है। अगर बैटरी आपका पूरा डाउन है तो हाई से कनेक्शन कर देता है, बैटरी आपका लगभग चार्ज है तो मीडियम में कर देता है कनेक्शन, ठीक है। और वो रिले आपका ये वाला है, तो ये रिले काम करता है हाई और मीडियम में। न्यूट्रल यहाँ से मिल जाता है और हाई और मीडियम कोई एक पॉइंट पे 220 वोल्ट दिया जाता है बैटरी चार्ज के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे 220 वोल्ट मेन ट्रांसफार्मर को मिलता है और इधर से एसी वोल्ट आउट करता है चार्जिंग करने के लिए। अब चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे एसी वोल्ट आउट करता है, उसके बाद LM358 के साइड से, यहाँ पे LM358 IC लगाया गया, इधर साइड देख सकते हैं, इसके माध्यम से चार्जिंग को कंट्रोल करता है और माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि मेरा बैटरी कितना चार्ज है और अभी बैटरी चार्ज करना है कि नहीं करना है। माइक्रो को पता चलता है 358 के साइड से और 358 साइड से पता चलने के बाद ये ड्राइव सेक्शन को ऑफ करता है, ऑन करता है। अगर चार्जिंग चाहिए तो ड्राइव सेक्शन को ऑन रखता है, चार्जिंग नहीं चाहिए तो माइक्रो कंट्रोल दोनों सेक्शन को ऑफ कर देता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया, पीसीबी में चार्जिंग दो सेक्शन है, एक आपका रिले सेक्शन जो आपका ये टाइपिंग का सेक्शन हो गया, तो रिले के माध्यम से ही 220 वोल्ट दिया जाता है मेन ट्रांसफार्मर को, तो मेन ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट नहीं मिलेगा तो चार्जिंग नहीं कर सकता है। और आपका दूसरा LM358 के साइड से जो पता करता है माइक्रो कंट्रोलर को जिधर से पता चलता है वो LM358 है, दो सेक्शन हो गया।
अब यहाँ पे दो सेक्शन हो गया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन से सेक्शन से दिक्कत है, तो मैं वोल्ट चेक कर लेता हूँ ना सर, वोल्ट चेक कर लेता हूँ एक सेक्शन में। मेन ट्रांसफार्मर को क्या बताया हूँ आपको, 220 वोल्ट मिलना चाहिए, तो न्यूट्रल और 220 वोल्ट, तो न्यूट्रल और फेज चेक कर लेते हैं। अगर मेन ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट मिल रहा होगा तो मेरा रिले सेक्शन ओके है, आगे जो मेरा काम करना है वो LM 358 के साइड काम करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेन ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या बताया, न्यूट्रल का पॉइंट मेरा ये वाला है, जो कि न्यूट्रल का पॉइंट ये रेड वाला पर आ रहा है, ठीक है। तो रेड वाला न्यूट्रल रखते हैं, मीटर को एसी रेंज पे रखे हैं, और दूसरा पॉइंट मेन ट्रांसफार्मर का, ये दोनों में से कोई एक है मीडियम या तो हाई। तो बैटरी वोल्ट क्या है अभी हमको नहीं पता, मैं दोनों में चेक कर लूँगा बारीकी से। पहले मैं मीडियम में चेक करता हूँ, 220 वोल्ट मिलना चाहिए, देख सकते हैं मीडियम में मेरा 220 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट है, ठीक है। देख सकते हैं मीडियम में मेरा 220 वोल्ट अवेलेबल नहीं है। अब हाई वाला में देख लेता हूँ, हाई टाइपिंग वाला में, अगर मीडियम में नहीं है तो हाई वाला में जरूर होगा। देखिए हाई और मीडियम दोनों में सेम वोल्ट है 45 के आसपास, 220 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है मेन ट्रांसफार्मर को, तो चार्जिंग कहाँ से करेगा। तो 220 वोल्ट ये मेन ट्रांसफार्मर को काहे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो 220 वोल्ट नहीं मिल रहा है, इसके पीछे रीजन हो सकता है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जो रेड वाला वायर है यहाँ पे फेज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इन्वर्टर चेंज ओवर हो गया है। तो फेज आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है। अब ये फेज, ये जो फेज है आपका, ये रिले पे गया है, ये वाला रिले। अब ये रिले का काम क्या है, ये वाला रिले आपको बताएं, चार्जिंग का टाइपिंग को हाई और मीडियम से कनेक्शन करता है। मतलब बैटरी आपका डाउन है तो हाई से कर देता है टाइपिंग, माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर सूचना देता है रिले को, और ये रिले टाइपिंग कर देता है हाई से अगर बैटरी डाउन है तो, और बैटरी आपका लगभग चार्ज है तो माइक्रो कंट्रोलर इसको सूचना देता है कि आप मीडियम वाले से कनेक्शन कर दीजिए, तो ये रिले ऑफ हो जाता है और मीडियम से कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऑन ऑफ होने का काम है इसका, मीडियम और हाई का कनेक्शन करने का काम है। लेकिन ये वाला जो रिले है वो काम क्या है इसका, लेकिन ये वाला जो रिले है इसका क्या काम है, फेज को मेन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना। मेंस मोड पे जो ये फेज का कनेक्शन है, ये रिले के माध्यम से ये रिले को दे दिया जाता है, ये रिले के माध्यम से फेज का सप्लाई ये रिले को दे दिया जाता है, और ये रिले सिलेक्शन करता है कि मुझे हाई वाला को देना है कि मीडियम वाला को देना है बैटरी के हिसाब से। तो इसके ऊपर हमको नहीं जाना है, मतलब ये रिले का क्या काम है ये समझिए पहले। ये रिले का काम है मेंस देने के बाद, चेंज ओवर होने के बाद जो फेज का सप्लाई आ रहा है इसके पॉइंट पे, रिले का पॉइंट पे, यहाँ से उठा करके ये रिले को दे देता है। उसके बाद ये रिले आगे चार्जिंग करता है, उसके बाद ये रिले मीडियम या तो हाई के माध्यम से चार्जिंग करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपने जैसा कि देखा कि मीडियम और हाई दोनों में से किसी में से कनेक्शन नहीं आ रहा 220 वोल्ट का सप्लाई, तो क्या ये रिले खराब है या फिर ये रिले खराब है। तो मैं आपको कंफर्म करा देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर ये रिले खराब होता, मतलब पोल का कनेक्शन NC से रहता या फिर NO से रहता, दोनों कंडीशन में कहीं पे तो कनेक्शन रहता या तो चिपक भी जाता किसी पॉइंट से, तो क्या दिक्कत था। क्योंकि NC से भी कनेक्शन यहाँ पे है और NO से भी कनेक्शन है, क्योंकि मीडियम और हाई दोनों NC और NO से करवाया गया है। तो अगर ये रिले के पोल पे कनेक्शन जाता, ये रिले 220 वोल्ट इसके पोल को देता, तो NC से या तो NO से ये वोल्ट आउट कर ही देता कोई पॉइंट पे। लेकिन जैसा कि हमने चेक किया, दोनों में से कोई एक पॉइंट पे भी 220 वोल्ट का सप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये रिले सही है, ये रिले के पोल पे कनेक्शन नहीं मिल रहा है ये रिले के माध्यम से। तो या तो ये रिले खराब है या तो ये रिले को ऑन कराने के लिए जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है वो ट्रांजिस्टर खराब है। चलिए मैं चेक करता हूँ क्या खराब है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ऑन कराने के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। ये दोनों ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, ये वाला ट्रांजिस्टर और ये वाला ट्रांजिस्टर, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है आपका NPN ट्रांजिस्टर है, और ये जो Q38 का ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर ये रिले को ऑन करता है, और Q39 ये वाला ट्रांजिस्टर ये रिले को ऑन ऑफ करता है। तो ये रिले मेरे हिसाब से सही है, तो ये ट्रांजिस्टर को मैं चेक नहीं करता हूँ, ये वाला ट्रांजिस्टर को मैं चेक करता हूँ, क्योंकि ये रिले के ऊपर हमको डाउट है, या तो रिले खराब है या तो ट्रांजिस्टर खराब है। अगर ये ट्रांजिस्टर सही मिलता है तो आँख मूंद करके ये रिले चेंज कर देगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंफर्म होता हूँ ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हम मीटर को डाउन रेंज पे रख लिया हूँ, और बेस पे रखता हूँ पॉजिटिव क्योंकि NPN है,
तो आप मीटर से भी पता कर सकते हैं ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है, वो सारा चीज़ आपको प्रोसेस क्लास में बताया जाएगा। तो बीच में हम रख दिए पॉजिटिव और दोनों साइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एनपीएन। देखिए क्या, तो दोस्तों बेस और कलेक्टर का रेटिंग देख सकते हैं 15 के आसपास आ रहा है, जबकि यहाँ पे 550 से लेकर के 650 के बीच में आना चाहिए। अब देख सकता हूँ, अब देख लेता हूँ बेस और एमीटर का रेटिंग। बेस और एमीटर का रेटिंग देख सकते हैं 650 और ये 700 भी जा रहा है, मतलब बेस का रेटिंग कलेक्टर से भी सही नहीं है और एमीटर से भी नहीं सही है। सही कब रहता, जब बेस का रीडिंग कलेक्टर से 650 रहता, 550 रहता, या तो एमीटर से और एमीटर से भी 650 550 रहता। तो जैसा कि प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के लिए यहाँ पे दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए बेस पे रखा पॉजिटिव और एमीटर पे रखा नेगेटिव। देखिए 650 के बीच में यहाँ पे स्टॉक है और बेस और कलेक्टर का रीडिंग भी देख सकते हैं सेम रहेगा। देखिए दोनों का सेम है, इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर ये सही है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है जो ये रिले को ऑन करता है ये ट्रांजिस्टर खुद ही खराब हो गया है। तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो गया है तो ये रिले ऑफ रह रहा है, ऑन नहीं रह रहा है, रिले ऑफ हो जा रहा है। मेंस देने के बाद ये ट्रांजिस्टर को बेस पे सप्लाई मिलता है लेकिन ये रिले को ऑन नहीं करा पा रहा है, ट्रांजिस्टर खराब है। तो ये रिले को ऑन नहीं कराने के कारण से ये जो फेज का 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है फेज पे, ये वाला पॉइंट का 220 वोल्ट सप्लाई ये रिले ऑन होकर के ये रिले को नहीं दे पा रहा है। तो ये रिले खराब नहीं है, रिले सही होगा। ये ट्रांजिस्टर को मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद देखिए मेरा प्रॉब्लम हाथ में रहेगा, सोल्यूशन अवश्य होगा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर था इसको हमने निकाल के फेंक दिया। अब नए ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। ध्यान रहे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर दोनों है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये नया ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे तो चलिए दोस्तों इसको मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं न्यू ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पे बैठा लिया है। अब इसको मैं 12 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ और 220 वोल्ट देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पीसीबी मेरा यूपीएस मोड पे सही था, इन्वर्टर सही था, मेंस मोड पे दिक्कत हो रही थी। तो मेंस यहाँ पे देता हूँ और सामने में देखता हूँ क्या होता है। मेंस आया, चार्जिंग आया और ये देखिए चार्जिंग एक बार आके चला गया और फैन भी एक बार रन करके बंद हो गया, मतलब मेरा बैटरी यहाँ पे फुल चार्ज है इसीलिए यहाँ पे चार्जिंग नहीं कर रहा है। ये इंडिकेट बंद कर दिया, चार्जिंग का एलईडी बंद हो गया, समझिए बैटरी फुल चार्ज है। आपको प्रूफ के लिए मैं बैटरी को थोड़ा डिस्चार्ज करता हूँ और चार्जिंग करके दिखाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमने थोड़ा बैटरी को डिस्चार्ज कर लिया है, उसके बाद मेंस देता हूँ और उसके बाद देखिए ये चार्जिंग करेगा। देखिए मेंस आया, चार्जिंग आया, देखिए परमानेंट यहाँ पे एलईडी ग्रो हो रही है जबकि पहले ब्लिंक कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फैन रन हो रहा है और यहाँ पे एम्पियर भी देख सकते हैं 20 के आसपास यहाँ पे एम्पियर भी ले रहा है। चार्जिंग मेरा पूरी तरह से ओके कर रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 100% ओके हो गया पीसीबी अभी, इन्वर्टर अभी। तो दोस्तों आपने देखा कि एक ट्रांजिस्टर के कारण से आपका चार्जिंग भी रुक सकता है पूरी तरह से, इन्वर्टर डेड हो सकता है, और क्या प्रोसेस होना चाहिए आपको रिपेयर करने के लिए, ये सारा चीज आपको मैं बता दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।